यहाँ? आपको मुझसे डर लगता है क्या? नहीं वो, लेकिन मेरा एड्रेस? वो एक्चुअली मैं रास्ते से जा रही थी, आपको देखा और पीछा करके यहाँ तक चली आई। वो क्या है ना, हमेशा बाहर मिलना अच्छा नहीं लगता ना। भाई आपको तो कोई डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बहुत तरक्की करेंगी। लेकिन आप है बहुत कंजूस, इतनी देर से मुझे खड़ा करके रखा हुआ, ये भी नहीं कि एक कप चाय के लिए पूछ ले। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। जी नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, ये काम औरतों का है, चाय मैं बना के लाती हूँ। आप रहने दीजिए, बाद में आप शिकायत करेंगी कि मैं मेहमानों से चाय बनवाता हूँ। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, चाय मैं बनाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। किचन कहाँ है? उस तरफ। रोही? ताहा? हाँ, हाय। हाय। बैठिए ना प्लीज। मैं सोच रही थी कि आपको कैसे पहचानूंगी, ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे पहचान लिया। वैसे आपने मुझे पहचाना कैसे? खूबसूरत नाम खूबसूरत लड़की का ही हो सकता है। अच्छा, तो मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे खूबसूरत कह रहे हैं। अब चलिए डायरेक्टली कह देता हूँ, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जो दिल की बात जुबान पे लाने में हेजिटेट नहीं करते, और आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, बहुत जल्द अपना थैंक्स वापस लेना चाहती हैं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ बातें क्लियरली डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ना तो मेरी जिंदगी में कभी कोई था और ना है। इन शॉर्ट, रोमांस का मौसम तो मेरी जिंदगी में आया ही नहीं। और आप? किस सोच में पड़ गए आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि देखिए, जो भी बात है आप मुझसे क्लियरली कह सकते हैं, यकीन कीजिए मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी हम लोग यही बातें क्लियर करने के लिए तो मिले हैं। रूही, मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी, बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन पता चला कि उस लड़की के मंसूबे गलत हैं। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। उस लड़की का नाम रीता था। आपसे मिलने से पहले मैंने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। तो फिर मुझसे पूछने का मतलब? टेस्ट जनाब, टेस्ट। मैं ये देखना चाह रही थी कि आप कितने सच्चे हैं। आपके अब्बू ने आपके बारे में जितना बताया था उससे आप 10 कदम आगे हैं। अच्छा है, एक कामयाब बिजनेसमैन की बीवी ऐसी ही होती है। अच्छा, तो रूही ये बताइए कि मेरे लिए आपका अगला सवाल क्या है? सवाल नहीं करना चाहती, बल्कि शादी के बाद की कुछ प्लानिंग बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। शादी के बाद मैं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ को भी मेंटेन रखना चाहती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे घर के कुछ कायदे और कानून हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को आपसे कोई शिकायत हो। घर वालों का ख्याल रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। और कुछ? और कुछ मतलब, अभी इम्पोर्टेंट बात तो बाकी है। हाँ हाँ, वो भी कह दीजिए। शादी के बाद हमारे सिर्फ 2 बच्चे होंगे, वो भी शादी के 3 साल बाद। वेल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और शादी के बाद आप टिपिकल हस्बैंड नहीं बनेंगे, आप मेरे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ठीक है, और कुछ? बस एक बात याद रखिएगा, मैं अपने अबू से बहुत प्यार करती हूँ और आप उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दूंगा। और बताइए। बस, और कोई शर्त नहीं। मतलब ये कि अब आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हैं? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। पता नहीं और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं ना? नहीं तो। मुझे ऐसा लगा, ये तो बिल्कुल लल्लू है, इशारे समझता ही नहीं। वैसे
आपने चाय पिलाकर मुझे मजबूर कर दिया। किस बात के लिए मजबूर कर दिया? हाँ मतलब अब रोज आपके हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। ओ तो ये आपके लिए मजबूरी है? नहीं मेरा मतलब आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, इसलिए अब रोज आपको। ठीक है अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं आऊंगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरा मतलब कि आपके साथ कोई इंसान बोर नहीं हो सकता। पहले मैं आपको बहुत बोर लड़की समझता था, और अब आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। थैंक यू। चलिए आपकी ये गलतफहमी तो दूर हुई, तो अब मैं ये सोच सकती हूँ कि वी आर फ्रेंड्स। यस। आपने मुझसे इतने सवालात कर लिए, मुझे लग रहा है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं। आप जैसे जिंदगी गुजारना चाहती हैं वैसे आप गुजार सकती हैं। बस मैं एक समझदार बीवी चाहता हूँ जो कि तुम हो। इस तरह क्यों देख रही हो? एक सच बात बताऊं? तो क्या अब तक झूठ कह रही थी? यही समझ लीजिए। मतलब? अब तक मैंने जो बातें कही उन्हें भूल जाइए। क्यों? मैं तो सिर्फ आपका पेशेंस आजमा रही थी। जिसमें इतना पेशेंस होगा वो जिंदगी की सारी परेशानियों का सामना सोच समझ कर करेगा। मेरी सारी शर्तें भूल जाइए, मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म है। आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई फैसला नहीं करूँगी। इन शॉर्ट आपकी सांसों से मेरी जिंदगी चलेगी। बोलो रिश्ता मंजूर है? रूही से मिलाए? जी मैडम। कैसी लगी? अच्छी है। अच्छी से क्या मतलब? मतलब लड़की ठीक है। सिर्फ ठीक या अच्छी होना जरूरी नहीं है, तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। वो इस घर की बहू बनकर आने वाली है। मेरे पूछने का मतलब सिर्फ ये था, क्या वो पूरी तरह से तुम्हारे और इस घर के लायक है या नहीं? जहां तक मुझे लगा वो एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। मेरे ख्याल से आप लोगों को उससे कोई शिकायत नहीं होगी। और तुम्हें? जी मुझे भी नहीं। चलो इस बात की हमें खुशी हुई कि रूही तुम्हें पसंद आई। तुमने अपना सारा शक दूर कर लिया, इसीलिए रूही से मिलने के लिए मैंने तुम्हें अकेले भेजा था, ताकि तुम दोनों आपस में अकेले मिल लो बिना किसी झिझक के। पर अब्बू मैंने आप और मम्मी पे ये फैसला छोड़ दिया था। जानता हूं, इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हारी लड़की पसंद की है। हमने तुम्हारे फैसले के साथ नाइंसाफी नहीं होने दिया। तो मैं बेग साहब से बात कर लूं? बेशक बात कर लीजिए, चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बड़ी अम्मी आइए ना बैठिए। सुना है लड़की तुम्हें पसंद आ गई? जी। ता तुम पढ़े लिखे लड़के हो, समझदार हो, फिर एक ही मुलाकात में किसी को इतना समझ लेना, ये कैसे मुमकिन है? और वो भी इस हद तक कि बात शादी तक पहुंच जाए? आप जो कुछ कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बड़ी अम्मी कभी कभी हमें पूरी उम्र लग जाती है किसी को समझने में, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और कभी कभी हम इंसान को एक ही मुलाकात में समझ लेते हैं। बड़ी अम्मी आज मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रूही को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो इसलिए कह रही थी, एक तो हमारे घर में पहले से ही परेशानियां हैं, और अगर कोई गलत लड़की आ गई तो घर बर्बाद हो जाएगा। देखो शादी कोई मजाक नहीं है, एक ऐसा फैसला है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। बड़ी अम्मी रूही के आ जाने से हमारे घर की खुशियां लौट आएंगी। तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? जी। और सुबेदा के बारे में क्या सोचा है? बीते कल को सोचकर मैं अपने आने वाली खुशियों को बर्बाद करना नहीं चाहता।
वो तो अच्छा हुआ कि जुबैदा की असलियत मेरे सामने आ गई, वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी। बड़ी अम्मी, मैं जुबैदा को भूल चुका हूं। हमें काले है तो क्या हुआ दिल वाले है, हमें तेरे तेरे चाहने वाले है, हमें काले है तो क्या हुआ दिल वाले है। आइयो ऐसा घूर के गाय को देखता जी, हमें तुम्हें नहीं अपने आप को काला बोले जी, तुम्हें गोरे जी गोरे, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा प्यार। रो मत, I had tears। अरे अरे क्यों रो रहा है, क्यों 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 रो रहा जी, अरे बोलना क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, खामोश। कमाल है, जब भी छेनू की आवाज निकालता हूँ इतना रोने क्यों लगता है, मेरे ख्याल से पुरानी दुश्मनी होगी। मेरा बाप चुप बैठ जा, मेरा बाप चुप बैठ जा, मेरा बाप चुप बैठ जा। तेज बुखार है, मैं डॉक्टर फोन करूं? नहीं, मैं खुद से लग जाती हूं। अच्छा वह अभी जो तुम बिलाल को यहाँ ले आई। डॉक्टर, मुझसे बिलाल की परेशानी देखी नहीं जाती, मैं जो टेस्ट लिख रही हूँ वो यहीं हो जाएंगे और दो चार दिन में तुम्हें रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ले लो। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आप तो जानते ही हैं कि मैंने किन हालात में और किस किस तरह से बिलाल को संभाला है। वैसे ही मैं दुश्मनों से घिरी हूँ, हर कदम फूंक फूंक कर और सोच समझ कर रखना पड़ता है। एक तरह से मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, जंग लड़ रही हूँ। ऐसे में बिलाल का मासूम चेहरा मुझ में हिम्मत पैदा करता है। खुदा ना खास्ता अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जंग हार जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें कामयाबी तक ले जाएगी। चलिए, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद कर लिया, अब जो कुछ करना है हमें ही तय करना है। बेग साहब, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। मेरा ऐसा मानना है कि शादी से सिर्फ लड़का लड़की नहीं बल्कि दो खानदान जुड़ते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बेग साहब, आप क्या कहते हैं, हमें आज मंगनी की तारीख तय कर लेनी चाहिए? चौधरी साहब, मंगनी की रस्म जरूरी है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो मंगनी में आए फिर शादी में आए। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट शादी की तारीख पक्की कर लें। अगर आप सीधे शादी की रस्म करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, बाकी जैसा आप ठीक समझें। अरे नहीं नहीं, आप लोग लड़के वाले हैं, आपकी मर्जी जानना भी जरूरी है। मैंने ये फैसला तो इसलिए किया क्योंकि हमारी इस शादी में मेहमान सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से आएंगे। अब उनके पास इतना वक्त कहां होगा कि दो दो फंक्शंस अटेंड कर पाए। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, हम बिजनेसमैन के पास सब कुछ है सिर्फ वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसी शादी होगी कि लोग याद रखेंगे, क्योंकि रूही हमारी इकलौती बेटी है और ताहा हमारा इकलौता दामाद। इसी बात पर बेग साहब मुंह मीठा हो जाए। अरे ये और आप भी, अरे मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हमने शादी की सारी बात तय कर दी है, तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। जी हाँ, आप तहा की अम्मी हैं, अगर कुछ कहना चाहती हैं तो बेझिझक कह सकती हैं। भाईजान के हाँ में ही मेरी हाँ है, मुझे कोई एतराज नहीं।
लेकिन अगर एक बार ताहा से भी पूछ लेते तो? ताहा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हमारी हर शर्त मंजूर है। अली साहब की पहली बीवी से पूछना चाहे तो? देख साहब, मैंने कह दिया है बात खत्म, अब ना किसी से पूछने की जरूरत है और ना ही किसी की मर्जी जानने की।